हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डाउट क्रिकेट्स में। महिला क्रिकेट की महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने 2 दशक लंबे शानदार करियर के बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। इसके साथ ही 22 गज की पिच पर 23 वर्षों से चली आ रही करिश्माई सफर का अंत हो गया। मिताली राज ने साल 2019 में T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। उन्होंने 89 T20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2,364 रन बनाए, जो इस फॉर्मेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज़्यादा रन है। 1999 में 16 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू करने वाली मिताली राज खेल की सार्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने 12 टेस्ट, 232 एक दिवसीय मैच और 89 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वह कप्तान भी थी जिसने टीम इंडिया को 2 विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया। एक दिवसीय मैचों में वह दुनिया में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है। उन्होंने 7 शतक और 64 अर्धशतक के दम पर 7,805 रनों के साथ करियर समाप्त किया। मिताली राज ने संन्यास की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मैं भारत की नीली जर्सी पहनने की यात्रा पर निकली थी क्योंकि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ा सम्मान होता है। मैंने अपनी यात्रा में कई शीर्ष लम्हे देखे और कुछ मुश्किल दौर का भी सामना किया। इस हर लम्हे ने मुझे कुछ नया सिखाया और पिछले 23 साल मेरे जीवन के सबसे संतोषजनक, चुनौतीपूर्ण और आनंदमय वर्ष रहे। उन्होंने लिखा, पूरी यात्रा का आनंद लिया, इसका भी अंत होना ही था। आज वह दिन है जब मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।